पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 9 वर्षात देशात सेवा सुशासन आणि गरीब कल्याणाला प्राधान्य दिल्याचं केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी म्हटलं आहे. ते आज मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला 9 वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या निमित्तानं देशभरात महाजनसंपर्क अभियान राबवलं जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अनुराग सिंह ठाकूर आज एक दिवसाच्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले आहेत. वो भी हो, 3.5 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बनाकर देना, गरीबों की उम्मीद पर खरा उतरना, 12 करोड़ शौचालय बनाकर महिलाओं को इज्जत घर बनाकर देना, धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए 9.6 करोड़ से ज्यादा रसोई गैस के सिलेंडर के मुफ्त कनेक्शन देना, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज इन 9 वर्षों में मुफ्त में देने का काम किया, तो वहीं पर 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई. यही नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी बनाया, तो वहीं पर उतनी ही तेजी से हर घर नल, नल से जल देने की शुरुआत की और 12 करोड़ घरों को नल से जल पहुंचाने का कार्य किया. अब देखिए, जहां एक और अंग्रेजों ने 250 वर्ष भारत के ऊपर राज किया था, उसी देश को पिछाड़कर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी. कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर भारत आगे ना बढ़ रहा हो. ये मोदी जी के नेतृत्व की सराहना पूरी दुनिया कर रही है. दुनिया के बड़े बड़े नेता आज भारत में और भारत के नेतृत्व में उम्मीद देखते हैं और हम सब भारतीयों को उस पर खरा उतरना है. मुझे पूर्ण आशा है इस अगले एक वर्ष में भी भारत उतनी तेजी से ही बढ़ेगा, क्योंकि जो अभी एक रिपोर्ट आई है उसमें भी भारत की अर्थव्यवस्था को 7.2% की दर से आगे बढ़ता हुआ बताया है. अपने आप में दिखाता है कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की नीतियों में, भारत के कार्यक्रमों में और भारत के नेतृत्व में दुनिया विश्वास रख रही है. भारताची अर्थव्यवस्था जगातली सर्वात वेगवान विकसित होणारी अर्थव्यवस्था असून भारतावर 150 वर्ष राज्य करणाऱ्या ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेलाही आता आपण मागे टाकलं आहे. जगात सर्वत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाचं कौतुक होत आहे. केंद्र सरकारची धोरणं, योजना आणि नेतृत्वाबद्दल जगाला विश्वास वाटत आहे असं ते म्हणाले. येत्या काळातही भारताच्या प्रगतीची दौडघौड कायम सुरू राहील असं त्यांनी सांगितलं. अनुराग सिंह ठाकूर यांनी मुंबईतल्या सिद्धिविनायक मंदिरात जाऊन दर्शन घेतलं.